हाय फ्रेंड्स, इस इंडियन ब्यूटी चैनल सुष्मिता एज यू नो मैं हूँ सुष्मिता। आज मैं एक मोस्टली रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ जो कि एक कंसीलर के बारे में है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड स्पेशली मेरे कल रात को एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई कि मुझे एक कंसीलर बनाना सिखाइए। ऐसे बहुत मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हम कहीं भी जाना होता है या फिर चट जल्दी में हम कहीं रेडी होने जाते हैं तो हमारी कंसीलर खत्म हो गई। तब तो पॉसिबल नहीं कि हम दुकान में जाए उसको खरीदे या फिर ऑनलाइन परचेस करके फिर रेडी होके जाए। तो इस तरीके का कोई भी ट्रिक अगर काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात होती है कि हम लोग इंस्टेंटली कैसे चुटकियों में एक कंसीलर बना सकती है। और अगर मैं चाहूँ तो उस कंसीलर को बना के 7 डेज तक डेफिनेटली कर सकती हूँ। और इसके एक खास बात यह है कि इस कंसीलर में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जैसी प्रोडक्ट नहीं होगी तो स्किन को कोई भी इचिंग या फिर रेडनेस जैसा प्रॉब्लम तो नहीं देगा। और साथ ही साथ एक गुडनेस ये भी है कि इस कंसीलर को आप घर पे इजीली आपके मेकअप प्रोडक्ट से ही बना सकती है, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। और दोबारा बात यह है कि आपके अकॉर्डिंग स्किन टोन ये मैच करेगी। चलिए देख लेते हैं कंसीलर कैसे हम घर पे चुटकियों में बनाते हैं। फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट जो भी कंपनी का दिखा रही हूँ आप इसी कंपनी का यूज करें। आपको जो भी ब्रांड पसंद है या फिर आपकी जो भी फेवरेट है वो क्रीम वो फाउंडेशन या वो कॉम्पैक्ट यूज करें। इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए एक एम्प्टी कंटेनर या फिर बाउल और स्पैचुला जो कि मिक्स करने के लिए है। मैं यहाँ पे लैक्मे की रेडियंट कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ या फिर मेरे पर्सनली फेवरेट है। जॉनसन बेबी क्रीम ये मैं खुद यूज करती हूँ मेरी बेबी के लिए भी, तो ये क्रीम मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो आपके मनपसंद कोई भी ब्रांड का क्रीम या फिर जो आप यूज कर सकते हैं वो कीजिए। मैं यहाँ पे फाउंडेशन में ले रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम। अभी इसे मिक्स करने की बारी, टी अमाउंट ऑफ क्रीम, क्योंकि कंसीलर होती है फाउंडेशन भी और कॉम्पैक्ट पाउडर की भी एक गहरी स्ट्रक्चर जो कि डार्क स्पॉट यानी हागली पिगमेंटेशन स्पॉट को भी कवरेज करती है जो कि सिर्फ फाउंडेशन या फिर सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं दे सकती। और टी अमाउंट फाउंडेशन और चाहिए स्क्रैच किया हुआ कॉम्पैक्ट पाउडर। अब इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स, स्ट्रक्चर बन के रेडी है। अगर आपकी कंसीलर बनाने में ये जो क्रीमी स्ट्रक्चर है ये बहुत सारी हार्ड हो गई है तो इसमें बहुत सारे लिक्विड फाउंडेशन है तो उसे ऐड कीजिए, या फिर मोस्ट फाउंडेशन है तो इसमें थोड़ा क्रीम ऐड कीजिए, या फिर बहुत पतली हो गई है तो इसमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर और डाल दीजिए। टेक्सचर कुछ इस तरीके से थिक अमाउंट में आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि बाजार की खरीदी हुई कंसीलर और इसकी स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि ये आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बनेंगे क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करी है मैंने जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर आप वही इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को टोन करता है, अंडर टोन नहीं। और फाउंडेशन भी आप वही खरीदते हैं जो कि आपकी जॉ लाइन के अकॉर्डिंग मैच करती हो या फिर आपकी स्केकेट ऑफ स्किन कोट हो। ऐसे नहीं कि बहुत सारी केक इफेक्ट देती है, ऐसे फाउंडेशन तो हम यूज नहीं करते। और क्रीम तो आप वही यूज करती हो जो कि आपकी स्किन को सूथ करता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाया हुआ है या फिर चीजें मिलाई हुई है वो सारी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये कंसीलर जो तैयार हुआ है ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग टोनी होगी। अच्छा चलिए अब देख लेते हैं कि ये मैंने घर पे बनाई हुई कंसीलर और ये बाजार से खरीदी हुई ओलिविया पेन स्टिक जो कि मैं काफी वीडियो में यूज कर चुकी हूँ तो दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए वन बाय वन मेरे हैंड पे अप्लाई करती हूँ। आप इसे नोटिस मत कीजिएगा क्योंकि मेरे हैंड मेरे फेस के अकॉर्डिंग काफी डार्क है तो मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, लेकिन आप तो आप समझिएगा कि मेरी इस कंसीलर तो लाइट है, ये मेरी फेस के अकॉर्डिंग है, मेरे हैंड के अकॉर्डिंग नहीं। फिर भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, पहले मेरी खुद की बनाई हुई देखती हूँ। बहुत ही क्रीमी स्ट्रक्चर आया हुआ है और पाउडर फिनिश है,
ऐसे लग ही नहीं रहा मैंने घर पे ये बनाई है। चलिए ये भी ब्लेंड करते हैं, आसानी से ब्लेंड हो रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा मैंने कुछ लगाई हुई है। देख सकते हैं कैसे आसानी से ब्लेंड हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। यानी कि फेस पे आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाएंगे ना तो और अच्छी तरीके से सी रिजल्ट। अभी मैं देखती हूँ मेरी हैंड की दूसरी तरफ बाजार की खरीदी हुई कंसीलर यानी पेन स्टिक, जो कि मैं ओलिविया की ले रही हूँ, बहुत सारी दूसरी कंपनी की भी है। ये भी मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रही है क्योंकि मैं पर्सनली अभी आप कह सकते हैं रिजल्ट आपके सामने। मैंने इस तरह पे लगाई है कि मेरी खुद की बनाई हुई और इस तरफ मैंने लगाई है खरीदी हुई, लेकिन दोनों सेम टू सेम है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, जरा से भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास की नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए। बाय।